रुक रुक के न देख रुक रुक के, रुक रुक के न देख रुक रुक के, देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। मैं आज हिंदुस्तान की कहूँ। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने से बौखलाए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। फोन पर हुई इस बातचीत में इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप को कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। इस दौरान इमरान खान ने कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश की भी सराहना की। राष्ट्रपति ट्रंप और इमरान खान के बीच अफगान शांति प्रक्रिया की भी चर्चा हुई। फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान इमरान खान ने तालिबान की ओर से पश्चिमी देशों के बंधकों को रिहा किए जाने को सकारात्मक प्रगति बताया और कहा कि पाकिस्तान को खुशी है कि छोड़े गए दोनों बंधक सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सकारात्मक परिणाम में पाकिस्तान के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की दिशा में पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया और दोनों नेताओं के बीच साझा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में साथ काम करने पर सहमति बनी है। हाल ही में तालिबान ने अफगान सरकार के साथ कैदियों की अदला बदली की थी, जिसके तहत उसने लंबे समय से बंधक बनाकर रखे गए एक अमरीकी और एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक को रिहा किया था। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम इमरान खान के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब इमरान खान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही एक मौलाना इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं।